जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास अधिक मास का 10वां अध्याय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और भी जो पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16 भी कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कभी कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान दान जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनि राजकन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ कन्या क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं, और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हैं? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलमास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से पहले से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि में से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था। इसीलिए तुझको श्राप नहीं देता कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं जानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए, और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर के अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह कन्या प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।